हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर मीनाक्षी। मैं मीनाक्षी और फ्रेंड्स, आज मैं आपको गोपाल जी के लिए पगड़ी बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाने के लिए आपको कार्डबोर्ड शीट, नेट का कपड़ा, फ्लावर, बंच, स्टोन, इन सब की ज़रूरत होगी। और फ्रेंड्स, ये पगड़ी मैंने इस पोशाक के मैचिंग की बनाई है, ये देखिए। अगर आप इस पोशाक को भी बनाना सीखना चाहते हैं तो इस पोशाक की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप चेक कर सकते हैं और ये पोशाक बनाना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ये ब्यूटीफुल पगड़ी बनाना। तो फ्रेंड्स, पगड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने गोपाल जी के सिर का वो हिस्सा नाप लेंगे जिसमें हम उन्हें पगड़ी बनाते हैं, और जितनी भी उसकी गोलाई आएगी उसमें एक इंच प्लस करके एक लंबी पट्टी हम कार्डबोर्ड के पीस में से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये पट्टी कट कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, और ऐसे फोल्ड करने के बाद हम इस पर यहाँ हल्की सी गोलाई करते हुए इस तरीके का तिरछा निशान बनाएंगे, और हल्का सा यहाँ से भी तिरछा कर देंगे इसको। अब देखिए, इसी निशान पर हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखें, अब इसको हम अस्तर के कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। इस तरीके से इसको पेस्ट करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। और यहाँ से हल्की सी शेप में कटिंग करनी है, छोटे छोटे कट लगा लेने हैं इस तरीके से। अब क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी इसके ऊपर पेस्ट कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे, और जब तक ये सूखता है तब तक हमें एक पीस और तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने 2 इंच लंबाई चौड़ाई का एक स्क्वायर पीस कार्डबोर्ड में से कट कर लिया है, इसको भी हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अब इसको भी हम सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और जब तक ये दोनों पीस सूखते हैं तब तक हम इसकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने नेट के कपड़े में से 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। एक पट्टी की चौड़ाई 4 इंच और लंबाई 15 इंच है, और दूसरी पट्टी की चौड़ाई 2 इंच और लंबाई 30 इंच है। अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है, और किनारे किनारे सिलाई लगाने के बाद इसको सीधी कर लेनी है, और दूसरी पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। चलिए, इतना काम कर लेते हैं, फिर बताते हैं आगे क्या करना है। ये देखिए, मैंने ये दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को प्लेट डालकर तैयार करना है। और यहाँ से इसको सिल देंगे। ये कलगी बनाने के बाद अब हम कुछ फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए मैंने नेट के कपड़े में से ये 3 पट्टियाँ कट कर ली हैं, जिनकी चौड़ाई ये देखिए 2 इंच है और लंबाई 8 इंच है। ये देखिए, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद यहाँ से ट्रायंगल फोल्ड करेंगे और ऐसे रोल करेंगे यहाँ से कॉर्नर से इस तरीके से। अब इन 2 उंगलियों से इसको इस तरीके से पीछे की साइड फोल्ड करते हुए ऐसे घुमाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें करना है इसको। थोड़ा सा कपड़ा इसमें से कट कर देंगे हम ये,
और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिल देंगे। इसी तरीके से इन दोनों पट्टियों का भी फ्लावर बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कलगी बनकर तैयार हो गई, पट्टी बन गई, फ्लावर बन गए और ये भी सूख गए हैं दोनों पीस। अब हमें क्या करना है, हल्का हल्का इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, बिल्कुल हल्का हल्का करेंगे और फिर इसको इस तरीके से रखकर पेस्ट कर लेंगे आपस में। ये देखिए इस तरीके से ये पेस्ट हो गया। अब हम ये वाला पोर्शन कवर करेंगे, तो इसके ऊपर हमें ये पीस लगाना है। हल्का हल्का प्रेस करके रखेंगे जिससे कि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। और पेस्ट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको कट करके निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर भी कपड़ा पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बेस बनकर तैयार हो गया है। ये अभी आपको काफ़ी रफ लग रहा होगा, तो इसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे तो इसका कुछ पता नहीं चलेगा। अब हम इसके ऊपर ये जो पट्टी हमने तैयार की थी ये लगाएंगे। देखिए किस तरीके से लगानी है, यहाँ से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से और ऐसे लेकर आएंगे, फिर इस तरीके से। इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। चलिए लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी मैंने इस पर लगा दी और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पगड़ी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। जो हमने ये कलगी बनाई थी ये इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा देंगे। अब यहाँ पर हम ये फ्लावर लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्टोन चेन यहाँ लगाने के बाद मैंने इसमें यहाँ पर मोगरा फ्लावर लगाए हैं और यहाँ स्टोन्स लगाए हैं। इस तरह से ये ब्यूटीफुल पगड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए आप इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, देखिए। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पगड़ी और मेरे सिखाने का तरीका कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए और आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्माइलिंग।